हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक मैथ का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके पास है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद तक मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। पहले बोल दिया है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, उसके बाद 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। देखिए, ये एक नहर है, ठीक है। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, मान लीजिए यहाँ पर एक टीवी टावर है। क्या है ये? टीवी टावर है, ठीक है। टीवी टावर है, टीवी टावर पर टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मान लीजिए ये नहर है, मान एक बिंदु से, मान यहाँ से एक बिंदु से कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री। यदि इसी तट पर बिंदु से 20 मीटर दूर इसी बिंदु 20 मीटर दूर और इसी बिंदु को मीनार के पाद तक मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 20 मीटर दूर हटेंगे, मतलब एक बिंदु यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गए तो 20 मीटर हट रहे हैं हम, यहाँ इतना कितना हो गया 20 मीटर। हटने पर कितना डिग्री का उन्नयन कोण? 30 डिग्री, ठीक है। टावर की ऊंचाई मतलब आपको ये लाना है, नहर की चौड़ाई आपको ये लाना है, ठीक है, समझ गए। पहले नाम दे देना इसका, ए बी सी और डी। इसका ऊंचाई हम एच मान लेते हैं, वही लिख देते हैं। माना टावर की ऊंचाई एच मीटर है, तथा हम क्या करते हैं, ये 20 है, इसको हम मान लेते हैं y, x चाहे y कुछ मान सकते हैं, बी सी को मान लिए y मीटर। इसमें दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक है ए बी डी। तो पहले छोटे वाला त्रिभुज में लगाया जाता है, उसके बाद बड़े वाले में, ठीक है। तो आपको इसमें आपको ये ए बी आपका क्या है, लंब है, बी सी क्या है, आधार है, ए बी सी त्रिभुज में। तो आपको लंब निकालना है, आधार मालूम है, जो मालूम रहता है, जो निकाला जाता है, उसी के आधार पर सूत्र लगाया जाता है। तो त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में हमको लंब निकालना है, आधार मालूम है, क्या करेंगे, लंब बटा आधार या आधार बटा लंब लिख सकते हैं। क्या होता है ये? टेन थीटा, कोई दिक्कत? लंब है ए बी, आधार है बी सी, यहाँ पर टेन का मान 60 डिग्री, ठीक है। ए बी एच ये वाई, टेन 60 का मान रूट तीन, यहाँ पर एच जब निकालेंगे तो एच बराबर क्या होगा, रूट थ्री वाई, देख लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पुनः अब हम क्या करेंगे, बड़े त्रिभुज में जाएंगे, देख लीजिए ए बी डी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। देखिए इसमें भी आपको लंब निकालना है, आधार आपको मालूम है, वही लिखते हैं, लंब बट्टे आधार, क्या होता है ये भी होता है टेन थीटा। लंब इसका कितना है? ए बी, आधार किसका है? पूरा डी बी हो गया, टेन यहाँ पर हो गया 30 डिग्री, कोई दिक्कत? देख लीजिए अब हम क्या करते हैं, ए बी को एच माने हैं तो एच ए लिखेंगे, डी बी कितना है, बीस प्लस वाई है, देख लीजिए बीस प्लस वाई है ना, तो बीस प्लस वाई, टेन तीस का मान, यहाँ पर टेन तीस का मान कितना होता है, एक बट्टे रूट तीन, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पहले गुना कर लेंगे इसको, ये रूट तीन एच बराबर बीस प्लस वाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम चाहते, देखिए इस इधर यदि इसमें से हम एच बराबर यहाँ पे देख लीजिए, एच बराबर रूट थ्री वाई आया है ना, यहाँ पर निकाल लें हैं, इसी का मान यहाँ पर बिठा देते हैं हम, यहाँ पे एच का मान एच एच की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री वाई बीस प्लस वाई, ये कितना हो जाएगा,
रूट तीन से तीन, रूट तीन तीन हो जाएगा वाई, बीस प्लस वाई। तो वाई किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, थ्री वाई में से वाई घटेगा तो टू वाई हो जाएगा, मतलब बीस। तो वाई बराबर बीस बट्टे दो, वाई का मान निकल गया, वाई का मान दस निकल गया। आपको नहर की चौड़ाई मालूम हो गया, वाई वाई या नहर की चौड़ाई है ना, वैसे नहर पूरे है ये, हटने पर तो बीस आज दस तीस हो जाएगा, मतलब यहाँ लिख सकते हैं नहर की चौड़ाई 10 मीटर, ठीक है। अब हम एच, हम एच निकालते हैं यहाँ पे, एच पर मालूम है रूट थ्री वाई, वाई के मान 10, तो 10 रूट तीन। ये एच क्या है, टावर की ऊंचाई, क्या लिखते हैं टावर की ऊंचाई 10 रूट तीन मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर हो गया, देख लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।